आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप बिहार में जो भी इलेक्शन चल रहा है, जैसे जिला परिषद, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, वार्ड पार्षद, तो इस सब का जो अभी बिहार में इलेक्शन चल रहा है, तो मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा लिंक दूंगा जिस पर क्लिक करने के बाद आप एक ही क्लिक में आप ये जान सकते हैं कि कौन से पर्सन को कितना वोट मिला है और कौन से पर्सन कितने वोट से जीता है। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। चैनल सब्सक्राइब करते ही साथ में आपको क्या करना है, इस बेल के बटन को प्रेस कर लेना है। बेल के बटन प्रेस करने से ये होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। बेल के बटन प्रेस करते ही उसको ऑल कर दीजिए, क्योंकि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में ये क्लियर करने वाला हूँ कि किस तरीके से अभी बिहार में जो इलेक्शन चल रहा है तो उसको जो है आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन पे, लैपटॉप पे आप कैसे रिजल्ट देख सकते हैं कि कौन से जो है पर्सन जो खड़ा हुआ है इलेक्शन में उसका कितना वोट मिला है, वो कितने वोट से जीता है और कौन से पर्सन कितने वोट से हारा है। अभी के टाइम में किसी भी समर्थक जो भी इलेक्शन में खड़ा होता है उसके जो समर्थक होते हैं उससे पूछे कि भैया कितना वोट से जीता है, या जो हार जाते हैं अगर उसके समर्थक से पूछे कि कितना वोट से हारा है तो बोला अरे इतना कम में वोट से तो हारा है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि कैसे चेक करें। वो भी जो आदमी जो हारा होता है उसके समर्थक जो है अपने जो समर्थक को जो है जो इलेक्शन में खड़ा है उसको जो है नीचा नहीं गिराना चाहते हैं, वो बोलते हैं भैया थोड़ा सा वोट से तो हारा है, ज़्यादा वोट से कहाँ हारा है ना। क्यों? क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है कि कैसे चेक करेंगे ऑनलाइन। मैं आपको वो सारा क्लियर करने वाला हूँ और आपको जानना है कि कौन से आदमी, जैसे जिला परिषद, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य या वार्ड पंच, कौन आदमी कितना वोट से जीता है और कौन आदमी कितना वोट से हारा है। जैसे देखिए कि अगर मुखिया में 10-12 खड़ा हो जाते हैं तो उस 10-12 को कितना कितना वोट मिला है वो सारा कुछ आप देख सकते हैं। जैसे जिला परिषद में कितना आदमी खड़ा है और किसको कितना वोट मिला है वो सारा कुछ आप देख सकते हैं, और कौन आदमी कितना वोट से जीता है वो सारा कुछ आप देख सकते हैं। मैं आपको एक ऐसा लिंक दूंगा जिस पर क्लिक करने के बाद बहुत ही इजी तरीका से आप वो सारा कुछ देख सकते हैं कि कौन से आदमी कितने वोट से जीता है और कौन से पद से जीता है वो सारा कुछ देख सकते हैं, और कौन से दूसरे नंबर पर, कौन से तीसरे नंबर पर कितना वोट लेके है वो आगे है, कितना वोट लेके वो पीछे है, वो सारा कुछ आप जो है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जान लेंगे। इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखिएगा तभी आप सारा कुछ समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिस लिंक पर क्लिक करने के बाद जो है आप यहां पर देख रहे हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार, तो ये जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। जैसे इस तरीके से आप लिंक पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे इस पे लिंक पर क्लिक करते हैं यहां पे जो है आपके सामने में यहां गूगल जो है ओपन होकर आ जाएगा, या गूगल में जिसमें भी खोलना है आपको को जो है क्या करना है खोल लेना है। यहां पर देखिए मतदान चरण चुने तो आप इस पर क्लिक कीजिए। यहां पर देखिए कि आप फेज 1, फेज 2, फेज 3, 4, फेज 5, तो आपका जो है मतदान कितने चरण में हुआ है तो वो जो है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा जो है 5वां चरण में हुआ है तो मैं यहाँ पर 5वां चरण को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर देखिए ये ओपन जो होकर यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए पद का नाम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत के सदस्य आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत के सदस्य मतलब ये वार्ड सदस्य हो गया, ये जो आपका ग्राम कचहरी पंच हो गया, ये मुखिया हो गया, ये सरपंच, ये जो है पंचायत समिति हो गया, ये जिला परिषद हो गया। तो आपको जो है किसका देखना है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम मुखिया को देखना चाहते हैं तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए आ चुका है ग्राम पंचायत के मुखिया। अब क्या करना है, यहाँ पर जिला सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जिला वाले पर क्लिक कीजिएगा। आप जिस भी ज़िले से हैं वो ज़िला आपको जो है इसमें चूज कर लेना है कि आपको कौन सा ज़िला, जैसे मेरा ज़िला यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे ज़िला चूज कर लूँगा। अब प्रखंड चूज करना है कि आप कौन से प्रखंड से हैं, तो यहाँ प्रखंड वाले पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जो भी प्रखंड आएगा आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए पंचायत का नाम, तो इस वाले पर क्लिक कीजिए। अब जो है आपका कौन सा पंचायत है वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। जैसे मेरे केस में यहाँ पर ये है तो मैं चूज कर लूँगा। इसके बाद क्या करना है, शो वाले पर क्लिक कर देना है।
जैसे इस शो वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे जो है आपका यहाँ पर देखिए आ चुका है, यहाँ पर देखिए बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021, यहाँ पर देखिए कि जो है मुखिया का ये पूरा रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर देखिए मधुबनी बांसोपट्टी पश्चिमी ग्राम पंचायत के मुखिया का नाम हो गया, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रत्याशी का नाम, यहाँ देखिए निर्मला देवी, तो यह प्रत्याशी जो है विजेता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुल प्रताप मत, मतलब कितना मत मिला है ये विजेता का, यहाँ पर देखिए 1681 मत मिला है। तो इस तरीके से आप जो है आप कितने नंबर पर दूसरा है, कितने नंबर पर तीसरा है, वो आप जो है स्क्रॉल डाउन करके नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर नीचे कुल प्रताप मत, तो यहाँ पर देखिए कितना कितना वोट जो मिला है कौन पर्सन को, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। यहाँ पर देखिए रीना देवी है 1424 वोट है लेके दूसरा नंबर पर है। इसी तरीके से रूबी देवी तीसरा नंबर पर है, और जो है इस तरीके से और आपको यहाँ पर ढेर सारा मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है प्रत्याशी का आपको यहाँ पर नाम शो कर देता है। यहाँ पर देखिए ऊपर में यहाँ पर प्रत्याशी का नाम यहाँ पर आपको है निर्मला देवी, प्रमिला देवी, बबीता देवी, मनीषा देवी, मोनी कुमारी, रीना देवी, रूबी देवी, लक्ष्मी देवी, विभा कुमारी, सुविधा देवी। तो इस तरीके से आपको जो है कैंडिडेट का नाम मिल जाता है। यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे पद मिल जाता है, यहाँ पे बांसोपट्टी पश्चिमी से, तो पश्चिमी यहाँ पे आपको शो कर देता है। सो इस तरीके से आप जो है कुछ भी आप इसमें सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए जिला परिषद चूज करता हूँ, यहाँ पर देखिए जिला परिषद के सदस्य, मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब जो है सब कुछ वही है मेरा, ठीक है। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो यहाँ पर जाके अपना जिला जो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो मेरा यही है तो मैं यही रहने दूंगा। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है आपको है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र आपको चूज कर लेना है कि कौन सा है क्षेत्र। जैसे मेरा 15 है तो मैं 15 चूज करूंगा, और यहाँ पे शो वाले पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे शो वाले पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021, और यहाँ पर देखिए कि जिला आ गया, प्रखंड पद, यहाँ पर देखिए निर्वाचन क्षेत्र संख्या आ गया 15, और यहाँ पर देखिए प्रत्याशी है अनारो देवी, और यहाँ पर कुल प्राप्तांक देखिए इतना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, जो जीता होगा उस पर जो है ग्रीन टिक लगा हुआ था। यहाँ पर देखिए यहाँ पर विनोद प्रसाद शाह यहाँ पर 6708 वोट से है आगे है, और ये विजेता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है विजेता। यहाँ पर देखिए जिला परिषद यहाँ पर जो है आपका देखिए निर्वाचन क्षेत्र संख्या 15 से है, तो यहाँ पर 15 शो कर रहा है। और यहाँ देखिए कुल प्राप्तांक मत जो है कितना मिला है 6708। दूसरा नंबर पर यहाँ पर देखिए मोहम्मद नईम हक 5117 वोट लेके दूसरा नंबर पे है। इसी तरीके से है और कैंडिडेट यहाँ पर देखिए आपको मिल जाता है कौन कितना नंबर पे है, कितना कितना वोट से लेके ये कैंडिडेट सब जो है कितने कितने नंबर पे है। सो गाइस जो है आप जो है यहाँ से बहुत ही इजी तरीके से आप जो है यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर डालता हूँ यहाँ पे पंचायत समिति, या मैं सरपंच डालता हूँ तो सरपंच वाले में क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे जिला वही है, प्रखंड वही है, यहाँ पर बांसोपट्टी पश्चिमी है। अगर आपका जो भी हो प्रखंड आपको इसमें से चूज कर लेना है, मेरे तो पश्चिमी है बांसोपट्टी, तो मैं यहीं पर रहने दूंगा। इसके बाद शो वाले पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं शो वाले पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021, और यहाँ पर आपका जो है जिला प्रखंड पंचायत बांसोपट्टी पश्चिमी पद जो आ गया, ग्राम कचहरी के सरपंच, इसी तरीके से प्रत्याशी का नाम आ गया और कुल प्राप्तांक मत आ गया। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, जो भी कैंडिडेट विजेता होगा उस पर ग्रीन टिक होगा। तो यहाँ पर देखिए मंजू देवी विजेता है 1282 वोट से जो है ये जीता हुआ है। दूसरे नंबर पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, देखिएगा कौन कितना वोट से है। तो यहाँ पर देखिए शहनाज खातून 1194 वोट इसको मिला है, ये दूसरे नंबर पे है। इसी तरीके से ये सब जो है आपको जो है तीसरा चौथा पाँचवा नंबर पर आपको इस तरीके से ये सब शो कर देता है। और दूसरा नंबर पर देखिए यहाँ पर 1194 वोट है, जो शहनाज खातून है दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर मंजू देवी विजेता है 1282 वोट लेके है। सो गाइस इस तरीके से आप जो है यहाँ पर बहुत ही ईजी तरीके से आप का भी देखना चाहते हैं बहुत ही आसान, जैसे वार्ड सदस्य हो गया, मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, जिला परिषद हो गया, और इसके बाद हो गया पंचायत समिति हो गया, वार्ड पंच हो गया, जिसका भी देखना चाहते हैं बहुत ही इजी तरीके से आप यहां से जो है देख सकते हैं। ये इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करने के बाद जो है आप जिस तरीका मैं बताया वो करने के बाद जो है आप बहुत ही ईजी तरीके से जिसका भी देखना चाहते हैं कि कौन जीता है, कौन कितना वोट किसको मिला है, उसको आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। सो गाइस अब तो आप जान ही गए होंगे किस तरीके से बिहार में जो इलेक्शन चल रहा है, जैसे जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच, वार्ड सदस्य या वार्ड पंच, उसका आप जो है रिजल्ट कैसे देखेंगे, कौन कितने वोट से आगे है, कौन कितने वोट से पीछे है। तो इस वीडियो में आप जो है स्टेप बाय स्टेप सीख ही लिया होगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।